बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। पहले मैंने आपको स्किन प्लस हेयर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेडिकेटेड तरीका बताया था। आज मैं आपको हेयर्स को लॉन्ग करने के लिए एक ऑयल बताती हूँ, यानी आपके सर के बाल घने और लंबे करने के लिए एक होम रेमेडी बता रही हूँ, जिसमें हम आपको एक ऑयल बना के दिखाएंगे जो आप यूज़ करें और आपके बाल उससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी और इंग्रेडिएंट्स जो जो यूज़ होंगे उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच कलवंजी, एक मीडियम साइज की प्याज, एक पोथी लहसुन की और 100 ml सरसों का तेल। प्याज को हम छोटा छोटा काट लेंगे। लहसुन को भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। आपने कोई भी रफ़ कढ़ाई लेनी है जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप, और उसमें तेल डाल दें। और अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और मेथी दाना। और लास्ट में हम इसमें कलवंजी डालेंगे। अब हम इसको हिला लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। हमने इसको जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना है। आंच आपने स्लो ही रखनी है ताकि हमारे इंग्रेडिएंट्स जले ना
और इंग्रेडिएंट्स की जो भी बेनिफिट्स हैं वो ऑयल में आ जाएं। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो हमारा ऑयल रेडी हो चुका है, प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको छान लेंगे। तो ऑयल हमने छान लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो किसी भी बॉटल में हम इसको निकाल लेंगे। तो अब मेरा ऑयल ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको बॉटल में डालती हूँ। तो ऑयल हमारा रेडी हो चुका है और अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स की। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल तो आप सभी जानते हैं, नानी दादियों के ज़माने से, बहुत पुराने ज़माने से ये तेल सबके लिए फ़ायदेमंद है और हर कोई इसको यूज़ करता हुआ आ रहा है। इसके बेनिफिट्स तो आप सब जानते हैं। सेकंड नंबर पे आती है प्याज। प्याज में सल्फर है। सल्फर ग्रे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है और बालों के गंजपन को ख़त्म करता है और बालों को लॉन्ग और स्मूथ करता है। और इसके बाद लहसुन है। लहसुन एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। आपके बालों में जो भी खारिश, दाने और फंगल इन्फेक्शन है उन सबको वो ख़त्म करता है और आपके बालों को लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग करता है। और अब बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाना में विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में है, जिससे आपके बालों में बहुत खूबसूरती आती है, लचकदार होते हैं और बहुत शाइनिंग आती है। और लास्ट इंग्रेडिएंट कलवंजी। कलवंजी में भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, सोडियम और कार्बोहाइड्रेट होता है। और कलवंजी बालों को लंबा और मजबूत करने में मदद देती है और इससे बाल काले भी होते हैं। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग इसको रोज़ाना लगाएं। सर्दियाँ हैं, देखें रोज़ाना सब तेल लगाते हैं, आप उसको रोज़ाना लगाएं। आप चाहें तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें। मुस्तकिल इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, लंबे, घने, खूबसूरत और शाइनी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये होम रेमेडी ऑयल की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।